राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के बाद जो आया जो कुछ हुआ, या फिर अपोजिशन की तरफ से जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं, क्या बदलाव आया जिसकी वजह से इन दिनों में? बदलाव नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अदानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, सो आई वॉन्टेड टू टीच माई स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर, अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के, तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कॉन्ट्रोवर्सी में हम जाना क्यों, तो कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। मेरे डेफिनेटली नुकसान है, मगर कॉन्ट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कॉन्ट्रोवर्सी में जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान है। इमेज सब कुछ है, तो हमारा इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसे का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अदानी ग्रुप के लिए। उसके बाद भी आपने सरकार में आने के बाद रेजोल्यूशन किया, केवल एक आरोप लगने से, एक उनके खिलाफ वारंट जारी होने से, वो भी दूसरे देश में, ऐसा निर्णय लेना क्या आपको उचित लगता है? नहीं, राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे थे, उसके बावजूद दस साल से जो मोदी जी ने आउट ऑफ द वे मुंबई एयरपोर्ट के बारे में प्रस्ताव किया था राहुल जी ने, और बाकी के पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसा मोदी जी ने अदानी जी को दिया हुआ है उसके खिलाफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल दे तो कोई अदानी अंबानी या टाटा बिरला किसी के लिए कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं है, आउट ऑफ द वे विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन किसी के लिए बेनिफिट हो रहा है तो हर किसी को हम खिलाफ हमारा आवाज उठाएंगे। हमारे नेता लोकसभा के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में लोकसभा में भी आगे हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो अगेंस्ट रूल जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ है, कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तो किसी फर्म के लिए, किसी कॉरपोरेट कंपनी के खिलाफ नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग 50 साल के ऊपर हम सरकार चलाए, हम लोग लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाए, हम लोग एमएनसी इन्वेस्टमेंट लाए इस देश में, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नहीं है। जो रूल के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, रूल के खिलाफ जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो सरकार के प्रॉपर्टीज पल्ली बटानी जैसा दे रहा है ऐसे मुफ्त में जो दे रहा है उसके लिए खिलाफ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो जब मेरा नेता जो आवाज उठाएंगे, मेरा नेता के साथ चलने का जिम्मेदारी मेरा है, इसीलिए मेरा नेता जो बात उठा रहा है बार बार, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जो कह रहा है उनके साथ में कदम कदम चलाने का मेरा जिम्मेदारी है।